दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले मैं उनकी आपको आउटलाइनें बना के बताऊँगा, उसके बाद में आपको डिक्टेशन बोलूँगा। दोस्तों डिक्टेशन लिखने का और स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप जो डिक्टेशन है उसमें दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से नोटबुक एक बना लें, नोटबुक में उनको नोट करते जाएं। नोट करने के बाद में उन शब्दों की प्रैक्टिस तब तक करें जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाए, उसके बाद में आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपको यही नियम अपनाना है, इसी प्रकार से आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ेगी। शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका यही है, इसी प्रकार से आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये जो शब्द हैं इनको बना के बता रहा हूँ, उसके तुरंत बाद ही आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा 5 मिनट की। ये शब्द है, सबसे पहला है उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बनाएंगे उपाध्यक्ष और ये महोदय। इसके बाद में है फूंक फूंक कर, ऐसे लिखेंगे फूंक फूंक कर, ये हो गया फूंक फूंक कर। इसके बाद जो शब्द आएगा वह है निर्णय स्वयं कर सकें, इसको इस तरह से लिखेंगे निर्णय स्वयं कर सकें, हो गया निर्णय स्वयं कर सकें। इसके बाद में है विदेशी आवश्यकता, इस तरह से बनाएंगे विदेशी और ये आवश्यकता का शब्द चिन्ह। आगे है निर्णय किया गया, इस तरह से बनाएंगे निर्णय किया और ये गया, ये हो गया निर्णय किया गया। इसके बाद शब्द आएगा हमारा बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुवचन हो गया। इसी प्रकार से आगे है कार्य क्षमति, तो इसको बनाएंगे इस तरह से कार्य और ये समिति। इसके बाद शब्द है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस और ये कमेटी, हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। इसके बाद में है इसमें कोई संदेह नहीं कि, इसमें का शब्द चिन्ह कोई संदेह नहीं कि, ये हो गया इसमें कोई संदेह नहीं कि। आगे है प्रत्येक कदम, प्रत्येक का शब्द चिन्ह लाइन पे और ये कदम, ये हो गया प्रत्येक कदम। इसके बाद में शब्द आएगा हो सकता है कि, ऐसे बनाएंगे हो सकता है कि, ये हो गया हो सकता है कि। इसके बाद शब्द है आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिकीकरण और ये के लिए, ये हो गया आधुनिकीकरण के लिए, लास्ट इंडिकेट कर देंगे के लिए को। इसी प्रकार से आगे शब्द है योजना आयोग, इसको बनाएंगे इस तरह से योजना और ये आयोग, राशि काट देंगे इसको। इसके बाद शब्द है वित्तीय संस्थाओं, इसको इस तरह से बनाएंगे वित्तीय और ये संस्थाओं, बहुवचन हो गया, हो गया वित्तीय संस्थाओं। आगे हमारा शब्द है आप यह भूल गए हैं कि, आपका शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर यह भूल और ये गए हैं कि, हो गया आप यह भूल गए हैं कि। इसके बाद में है विचार विमर्श, इसको इस तरह से लिखेंगे
विचार और ये विमर्श। इसके बाद में शब्द आएगा दिशा निर्देश दिया है, दिशा निर्देश दिया और था, ये हो गया दिशा निर्देश दिया था। इसके बाद में है समझ लेना चाहिए, इसको बनाएंगे इस तरह से समझ लेना और ये चाहिए, ये हो गया समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं, इनको एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ जिससे कि आप इन शब्दों को अच्छे से समझ सकें। ध्यानपूर्वक देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, ये हो गया उपाध्यक्ष और ये महोदय। इसके बाद में शब्द है फूंक फूंक कर, ऐसे बनाएंगे फूंक फूंक कर। आगे है निर्णय स्वयं कर सकें, ये हो गया निर्णय, ये स्वयं का शब्दचिह्न, ये कर और ये सकें। इसके बाद में शब्द है विदेशी आवश्यकता, ये हो गया विदेशी और ये आवश्यकता का शब्दचिह्न। इसी प्रकार से आगे है निर्णय किया गया, निर्णय किया और ये गया। आगे है शब्द बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का शब्दचिह्न, कर रहे हैं इसको डबल कर देंगे और ये बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद में है कार्य समिति, इस तरह लिखेंगे कार्य और ये समिति। इसी प्रकार से है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। इसके बाद शब्द है इसमें कोई संदेह नहीं कि, इसमें का शब्दचिह्न लाइन से ऊपर, कोई संदेह नहीं कि, इसमें कोई संदेह नहीं कि। आगे हमारा शब्द है प्रत्येक कदम, प्रत्येक का शब्दचिह्न और ये कदम। इसके बाद आएगा हो सकता है कि, ऐसे बनाएंगे हो सकता है कि। इसी प्रकार से आगे है आधुनिकीकरण के लिए, ऐसे बनाएंगे आधुनिकीकरण और के लिए। इसके बाद हमारा शब्द है योजना आयोग, योजना और ये आयोग। इसके बाद जो शब्द आएगा वो है वित्तीय संस्थाओं, ये बनाएंगे वित्तीय संस्थाओं। इसी प्रकार से आगे शब्द है आप यह भूल गए हैं कि, आप यह भूल गए हैं कि। इसके बाद में हमारा शब्द है विचार विमर्श, विचार और ये विमर्श। इसी प्रकार से आगे शब्द आएगा दिशा निर्देश दिया था, बनाएंगे दिशा ये निर्देश दिया और ये था। आगे है समझ लेना चाहिए, तो इसको बनाएंगे समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं, इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड भी लिखने में आसानी होगी, शॉर्ट हैंड की गलतियाँ भी कम आएंगी और स्पीड भी आपकी निरंतर बढ़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने
आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती हैं। पैराग्राफ, आपने बंगलौर की घटनाओं और मुंबई के लिए किए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्यसमिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलौर में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझता हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती है और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सबके प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और आपको कहीं भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो समस्या है उसको शॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।